हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड कल का दिन, कल की बातें कर रहे थे हम लोग आज। कल बहुत मजा आया था और मैं अपनी अनाया को दिखाती हूँ। अनाया के कपड़े आए बड़े प्यारे से। बेटी अनाया, ये देखो इनकी कॉटन की ड्रेस बना के भेजी है। इनकी प्यारी सी इनकी वो है ना, इनकी ड्रेस भेजी है इनकी शमा बाजी की बेटी ने। वो सिलाई सीख रही है तो उन्होंने पहला ट्रायल लिया अनाया के कपड़ों पे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं इसके कपड़े। देखना छोटा सा घाघरा, एक्चुअली कॉटन का है ना, इस बच्ची को कॉटन ही सूट होता है अपनी फुप्पो की तरह, है ना नन्ना? नन्ना नहा ली हूँ मैं और बहुत आराम मिला सच में नहा के। बाप रे, नहाए ना इंसान तो कैसा लगता है। जल्दी से जाके बाइबल पढ़ लेती हूँ, दुआ कर लेती हूँ आप सब लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी चलें, दुख तकलीफ़ों से हम लोग दूर रहें एंड और भी चीज़ें। मैं जा रही हूँ दोस्तों सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं घर में, तो वही चल रहा है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। तो मैंने सोचा सोयाबीन बना लेते हैं, बढ़िया से सोयाबीन की सब्ज़ी। तो बस जल्दी से मम्मी को उठाया है, मम्मी के साथ नीचे जा रही हूँ, सब्ज़ी लेके आऊँगी और फिर भी और भी काम करने। पता है कबर्ड अपना सही करना था, कल नहीं कर पाई क्योंकि कल टाइम नहीं था, तो आज कर लूँगी। और कपड़े भी धोने हैं थोड़े बहुत इसके लिए। ये भी मम्मी, ये पूरी रात नहीं सोती है, इनको एक बीमारी है इंसोमेनिया नाम की, जो नींद ना आने की होती है। मेरा दिल करता कभी कभी 10-12 गोलियाँ खिला के सुला दूँ इन्हें, मेरा भी दिल सोती नहीं है। तो आज जब ये सोई तो मैंने सोचा सोने दूँ ताकि ये रेस्ट ले दें। हाँ, मेरे को बड़ा रेस्ट मिल रहा है, पर सर ने तो चाय पीने का दिल चाह रहा है बहुत तेज़ वाला। ये है चाय की चॉइसी, ये चाय पीती रहती हैं, इनको चाय अच्छी लगती है ना। चलो चलो जल्दी से चलो, टांग लगाओ अपनी। नाइटी सही लग रही है ना मेरी, प्रेस हुई हुई थी ना, मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। पूरा किचन है ना, पूरा किचन वहां से लेके वहां तक फैला हुआ था। ये बात रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं कि इन्होंने बोला अदरक लहसुन दे दो, मैं जाते ही पीसूंगी। और नहीं पीसा तो देख लो, फ्रेंड्स आपको आज दिखाऊंगी कि जाती अदरक लहसुन में याशा से पिसवाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा चिड़ मस्ती ये सब काम करने में। नहीं, ये घर के काम। मैंने भुट्टे लिए, भुट्टे लिए मैंने, भुट्टे 30 रुपए के 3 भुट्टे। सब्जी देखो भाई, मार्केट में आई हुई है फ्रेश फ्रेश सब्जी, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। पपीते देख लो, पता नहीं कैसे होंगे। ये भैया देख लो हमारे। मैंने अमेजोन से कुछ चीजें मंगाई हैं, तो ये भी मतलब खोला नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं खोला, ये खोल लिया मैंने। मतलब ये बहुत प्यारी चीज है, एक कैसे दिखाऊं। एंड इसको देख लो आप पहले, आपको इसको देख के हंसी आएगी। मतलब मैंने ना वाइट काजल मंगा, वाइट लाइनर मंगाया था, ये देखना कितना सा है। बाकी इसमें किताब है, किताब पढ़ने के लिए मंगाई। क्या रील्स नहीं बना रही मैं? ये गोभी के ना ऊपर ऊपर के काटने ने गोभी लाए थे, कैसे कल्लो कल्लो सी हो गई है। ये केले रख देंगे, सब्जियां आ गई सारी की सारी। पता नहीं मम्मी कौन से पत्ते लिए, कड़ी पत्ता कहते हैं इसे, कड़ी पत्ता। इसमें तेल डाल दिए तुमने। और यहाँ हमने रखा है स्वीट कॉर्न, यानी कि भुट्टा काट काट के उबालने के लिए। दोस्तों ये भाभी बताएंगी, भाभी को मैंने पिछली बार खिलाया था, कैसा था? बहुत टेस्टी, बढ़िया था ना। सोयाबीन बना ली हूँ मैंने, छोटे वाले आलू तो मैंने इनको तलने रख दिया है, ये तल जाएंगे निकाल लेंगे इन्हें। और इसमें सीटियाँ लगे जा रही हैं, लगे जा रही हैं, लगे जा रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि ना ये जो डब्बा है ना, इसको ना फोल्ड करके रख देते हैं। पता है यहाँ पे एक चूहा था यहाँ पे, तो अभी हमने कूलर धुलवाया ना, तो अभी बाहर चला गया यहाँ से, इतना बड़ा घूस था। ये सोच रही कपड़े भी धो दूँ। क्यों? शांता बाई इज बैक टू होम। तो मैं आ चुकी हूँ दोस्तों। अब आपको पता है कि मैं डेली काम करूंगी, मेरी टांग में दर्द है, बट मुझे घर गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड अभी भी मैं किचन से ही कर रही थी, अभी थोड़ा बहुत और काम करूंगी, कपड़े डाल देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है माशाल्लाह के खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे कि एक साथ 10 काम निपटाने की, तो वही कर रही हूँ मैं अभी। तो भाभी ने कूलर धो दिया, ये देखना कैसे सड़ान मच गई, कितना गंद था इस समय। इसको ना मैंने दोस्तों इसलिए निकलवाया है कि हम लोग कमरे से बाहर बैठे रहते हैं, तो थोड़ा कूलर चलता है, ठंडा ठंडा रहेगा। इसमें पानी भरा फिलहाल, बाकी भाभी अभी गई है आके। जहाँ मैं पका रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, मैंने इसमें प्याज का पेस्ट और टमाटर काट कर, हरी मिर्च काट के, और इसमें मैंने चिकन मसाला डाला है, धनिया डाला है, नमक डाला है और कुटी भी लाल मिर्च डाली है, ताकि मसाले के साथ ये पक जाए, मतलब मीट सोयाबीन जैसी हो जाएगी वो। ये जी हमारा कूलर चल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड माई फैमिली कि हमारा कूलर चल गया है। कैसा लग रहा है आपको कूलर चल गया है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये बोलती नहीं है, जबान दे दी इन्होंने किसी और को। सही जी, कूलर हो गया है, एनू किसने खोल लिया है जी मेरे जूतों की दुकान को। सही, बंद कर।
सोयाबीन डाल दी मैंने, मिक्स कर दी है, और सोयाबीन को निचोड़ के डालते हैं क्योंकि सोयाबीन में बहुत पानी होता है इसके लिए। एंड अब डाल दूंगी इसमें मैं आलू साथ ही साथ, और पानी भी डाल दूंगी, इसको स्टीम पे रख दूंगी। स्टीम चला दी मैंने कपड़े धोने के लिए, पानी आ गया, अब ये सारे कपड़े धुल जाएंगे, इतने मैं अपना काम कर देती हूँ। टाइम कितना दिखा गया, 40 मिनट दिखा गया, 40 मिनट बाद आऊँ। महक ये वाली जो है ना, हमारे भुट्टे उबल गए, भुट्टे बीच में रख के सब्जी उतार रख देना, ठीक है। तो क्या कर रही हो आप ननु, क्या कर रही हो आप? आप फ्रूट से खेल रही हो हैं? फ्रूट से खेलोगी आप? हाँ हाँ, यस ता दिखाओ अपनी शक्ल, दिखाओ इधर दिखाओ नन्ना। हो अले 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 अले, दादी को बुग्गी दे रही हो, एक और दे दो, बुग्गी दे दो ना, दे दो। हाँ क्यूट सा बच्चा है, इसी की हवाओं में उड़ रहा है ना, इसी के नहीं लगा के प्यार नहीं करना चाहिए कभी भी, सबको मैं बोल रही हूँ। जो 5 सिगरेट गुटखा खाते हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो 5 सिगरेट गुटखा खाते हैं या बच्चों के डैडी होते हैं या मम्मियाँ, वो कभी भी बुग्गी ना ले इनकी यहाँ की, वरना सांस के साथ अंदर जाता, आगे का तो बोल दो। सांस तो यहाँ मेरी सब्जी हो गई है रेडी, कैसी लगी चाची? आप भी बताना, देखोगी तो बहुत टेस्टी है, आप भी बना के ट्राई करना कभी, इसको पूछ लेना मुझसे। अब भाभी की रोटियां बन रही हैं, जल्दी से हम लोग खाएंगे खाना, भूख लग रही बहुत तेज। अभी कुत्ता खा लिया माली नन्ना है ना नन्ना नन्ना। ये है जी मेरी सोयाबीन की सब्जी, कैसी लग रही है? भाभी और मैं आ गए हैं डेट पे, क्योंकि हमारे घर का सारा काम खत्म हो गया था दोस्तों, हमने खाना भी खा लिया, सब कुछ खा लिया है। और खाने के बाद क्या करना चाहिए बताइए? टहलना चाहिए। कितना देर? 20 मिनट कम से कम, 20 से 25 मिनट कम से कम आप अपने घर में वॉक करें अगर आपके पास गार्डन नहीं है। हमारे पास भी गार्डन नहीं है, ये पब्लिक गार्डन है, इसलिए हम भी यहाँ पे टहल रहे हैं। जब गार्डन ना हो तो रोड पे निकल जाइए, ठंडी हवा खाकर। हाँ, या अपने घर में ही कम से कम इधर से उधर 20-25 राउंड लगा लो कि खाना डाइजेस्ट हो जाए, ताकि आपको क्या ना लगे। अगर आप लोगों को खट्टी डका जाए वो सॉरी, मेरा मतलब सीधा सीधा ये है कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है वॉक करने से, और ये होता है कि फैट भी नहीं बढ़ता है, और मतलब हार्ट पे भी असर नहीं करता, क्योंकि खाना ओवर की वजह से ना काफ़ी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बोल रही थी। फ्रेंड्स आ जाओ हम घूम रहे। हाँ क्या कर लियो सुमित भाई के साथ? सुमित भाई चलो ये पकड़ो, 1 2 3 और अमान भाई भी आ गए, अन्ना बेगम है यहाँ पे, अन्ना बेगम, अन्ना मेरी बेटी, मेरे बेटू। हाँ क्या हो गया आपको, गम्मी लग रही है? ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं आपको हैं? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी बेटी। ये टाइम देख लो, रात के 4 बज रहे हैं एंड कोई आने वाला है। सडनली किसी ने मुझे कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो भी आ रहा है वो आ रहा है, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है, हम लोग तो सुबह ही मेड आती है ना, इसके लिए ये पहली बार रात में मैं हल्का हल्का देख रहे हो दोस्तों। देखो 4:13 हो रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, शाम वाम के नहीं बज रहे, और जो मेरा सरप्राइज है वो आ गया है। आई एम वेरी हैप्पी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई ना आने से, मैंने मतलब अपने घर को जल्दी जल्दी साफ किया, वैसे तो साफ रहता है बट आप लोगों के सामने ही कर रही थी, हल्का फुल्का होता ना इंसान वो डस्ट वगैरह तो रहता ही है मिट्टी मिट्टी। आज जो शख्स है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आप लोगों से पता मिलवाऊँ। हालत देखो, मैंने प्लास्टर भी नहीं बांधा पहले, मैं ऐसी आ गई। फाइनली मेरी फ्रेंड आ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और ये इसका अंग्रेज बच्चा है, माशाल्लाह नजर ना लगी, अनाया खुश हो जाती। यही वो सरप्राइज है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। हम लोग कब मिले मीनाक्षी? 4 साल पहले। 4 साल बाद, अब 4 साल बाद मिले हम। मीनाक्षी का बर्थडे भी था, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड आई एम सॉरी मैंने विश नहीं किया। फाइनली मेरी बड़ी दिल की तमन्ना थी मीनाक्षी मेरे घर पे आए, और वो भी चिराग को लेके, प्यारे पूरा देखो एकदम चकाचक कर दिया अभी अभी। हमारे गप्पे चल रहे हैं, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं थोड़े दिन बाद डेट पे जाऊंगी मीनाक्षी के साथ, है ना, चलेंगे ना दोनों साथ में जाएंगे। जाएंगे दोस्तों, पता ही मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं ब्लॉग छोड़ के मीनाक्षी से बातें करूँ। छोटी बेबी को उसका नाम क्या है? दक्ष, इनका नाम है दक्ष, हैंडसम बॉय का,
माशाल्लाह माशाल्लाह इनको किसी की नजर ना लगे कभी भी, है ना। जीसस ब्लेस यू बेबी, आई लव यू। बस तो मुझे और दिन कम दोनों खेलते हैं, तुम तो सो रहे हो। मेहमान उठ गए, गुड मॉर्निंग, आपको कहा हो गया है, ऐसे देख रहे हो। मासी हूँ मैं, पापा बुला रहे नीचे, पता है पापा बुला रहे, सुबह हो गई, 5 बज गए, हैप्पी बर्थडे हो गया। कैसे देखे जा रहे मम्मी देखना। अमान भाई भी आ गए। भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे, अभी तुम कहाँ चला गया था। ये जी मीनाक्षी जा रही है, बाय बाय मीनाक्षी, आई लव यू। बहुत अच्छा लगा। मम्मी आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी दोस्त आई और जो इसकी सबसे फास्ट फ्रेंड है वो आई थी, और मतलब हम लोग नहीं जा पाए बट वो ही आ गई मिलने, और इससे बड़े की बात क्या होगी। और वो भी कहाँ से, बहुत अच्छे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, और बेटा भी बहुत क्यूट है। लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ने दे दी है अपनी ब्लेसिंग। मैं भी मीनाक्षी को यही बोलूंगी, मीनाक्षी आई रियली लव यू एंड थैंक यू सो मच। अभी जोड़ी है जीजू को भी बोलूंगी कि लेके आए यहाँ तक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मम्मी को देख लो, मम्मी को मैंने बना दिया अपना टेडी बियर। ये मुझसे इतनी देर से बोल रही थी एक पजामा दे दे, खुल्ला खुल्ला पजामा दे दे, खुल्ला खुल्ला पजामा दे दे। मैंने ना ये दे दिया, टेडी बियर बना दिया, बढ़िया लग रही मम्मी। बताना मेरी नाइटी पहन के, चाची आप बताना मेरी नाइटी पहन के कैसी लग रहेगी, अंजुम बताना। तो दोस्तों अब सोने जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है, और देखेंगे आज हमें कहीं जाना भी है, बताएंगे वो भी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, इससे फिल्टर नहीं लगाया तो मैं काली लगाऊंगी यार। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना, और भी अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगी। आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए पैर, आज मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी बट ना मेरा पैर कप कप आने लग गया है। छोड़िए, गुड मॉर्निंग एंड लव यू, बाय बाय।